हाँ, तो बच्चों मैं तुम्हें क्या कह रहा था यार हम डिफेक्ट कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से डिफेक्ट कर लिए थे भाई डिफेक्ट उसके बाद हमने किया फ्रेंकल डिफेक्ट अब आते हैं वेकेंसी डिफेक्ट पे ठीक है गाइस ये आते हैं वेकेंसी डिफेक्ट पे इसमें क्या होता है सम

ठीक है ना नाइस एटम्स मिसिंग होंगे वॉल्यूम वही रही मास कम हो गया डेंसिटी कम हो गई ये कब आता है व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड दिस डिफेक्ट डेवलप्स वेन अ सब्सटेंस इज हीटेड वेन अ सब्सटेंस इज हीटेड यहां तक समझ आया नहीं आया बच्चों बहुत सिंपल है हाँ है ना कोई दिक्कत ऐसे मान के चलो तुम्हारे तो पास यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट हैं, एंड सडनली यू एनकाउंटर वैकेंट साइट कुछ फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों सो दिस इज वैकेंसी डिफेक्ट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड डेंसिटी कम क्यों हो रही है ऊपर करना है कितना ऊपर बेटा बस अच्छा नोट करने में टाइम लग गया अभी एक मिनट अच्छा कौन सा बच्चा है पार्टिकल के चार्ज भी क्या होगा बेटा ये ज्यादा देखा जाता है कोवेलेंट क्रिस्टल्स में so तो देर no इज नो चार्ज ठीक है सर की और फ्रेंकल दे आर इन आयनिक कंपाउंड द नेक्स्ट टू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल दे आर इन जिसमें तुम्हारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आयंस ना होके एटम या हम उनकी बात करते राइट okay? yes, right. आगे चले ओके नेक्स्ट आते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये होता है व्हेन सम पार्टिकल्स या सम पार्टिकल्स देते हैं पार्टिकल्स में क्या आते हैं हमारे बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो भी है मतलब जिससे वो बना हुआ है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर हियर एटम्स या मॉलिक्यूल्स ओके दे एन इंटरस्टिशियल साइट दे ऑक्यूपाइन एंड इंटर स्टीशियल साइट ठीक है इन दैटकेस यू गैट ए इंटरस्टिशल डिफेक्ट तो जरा कॉन्सिक्वेंसिस पे आते हैं गायस ये ये है कि हमारा जो लेटेस्ट साइट है उनपे तो है ही है कुछ इंटरस्टिशियल साइट में भी प्रेजेंट है तो गाइस डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा इंक्रीज रेट इंक्रीज हो जाएगी देयर इज इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस देयर इज अ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब लैटिस पोजीशंस पे तो आई इंटरस्टिशियल साइड्स पे भी कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ओके okay? अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड कर रहा होता है साइज ऑफ एटम या आयन पे ठीक है ना गाय क्योंकि उन्हीं को भी तो वॉइड में या इंटरस्टिशियल में हमें डालना है ठीक है ना गाइस साइज ऑफ एटम इज इंपॉर्टेंट एज इट इज

होगा मेरी लेटेस्ट साइट बीच में इंटरेस्टिशीज है कुछ इंटरस्टिशीज में भी प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल साइड कोई डाउट यहां तक इंटरस्टिशियल साइड ओके okay, गाइस ठीक है दे आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स बोथ ऑफ देम दीज डिफेक्ट आर शोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड यहां तक कोई डाउट अब ये थे हमारे अभी तक स्टाइशोमेट्रिक डिफेक्ट अब आते हैं नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पे नॉन स्टाइशियो मैट्रिक डिफेक्ट्स ओके okay. जिसमें हमारा कटाइन टू नाइन रेशो क्या हो जाती है बच्चों चेंज हो जाती है गुड जिसमें हमारी कटाइन टू नाइन रेशो चेंज जाती है क्लियर है यहां तक बच्चों गाइज गडो तो स्टार्ट करते हैं इसको मैं लिख दू जो मैंने अभी बोला है रेशो ऑफ कटाइन एंड अनाइन चेंजेस फ्रॉम द आइडियल फॉर्मूला जो भी हमारा फॉर्मूला था उससे हमारा रेशियो चेंज हो गई ठीक है गाइस अगर डिफेक्ट है और तुम्हारा कटाइन तो टूटा रेशियो चेंज हो रही है देर कैन बी थ्री केसेस ठीक है या तो हमारा मेटल एक्सेस में आ जाए हाँ है ना मेटल एक्सेस में आ जाए या हमारा मेटल डेफिशिएंसी में आ जाए कम हो जाए हा है ना मेडल जाए, अभी जो हम मेडल एक्सेस मेडल डेफिशिएंसी की बात करें इट्स like लाइक बात करें थर्ड वाला है इम्प्योरिटी डिफेक्ट इम्प्योरिटी का मतलब है हमने मेटल की जगह कोई और मेटल डाल दिया एज इम्प्योरिटी फर्क समझ में आया बच्चों मेडल एक्सेस में द मेडल मेकिंग द सॉलिड वही एक्सेस में हो गया मेडल का मतलब मेडल विच इज मेकिंग द सॉलिड वो हमारा डेफिशिएंसी में हो गया एक में मेडल ज्यादा अमाउंट में एक में मेडल कम अमाउंट में बट इट इज द सेम मेडल इम्प्योरिटी इफेक्ट में क्या हो गया कुछ हमारा मेटल चला गया और उसकी जगह दूसरा मेटल आ गया पहले और दूसरे में वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम मेटल इज मेकिंग द सॉलिड वो मेडल ज्यादा हो गया या कम हो गया और जो थर्ड गेज है उसमें हमने कोई और मेडल डाल दिया थोड़ी सी अमाउंट में विल रिप्लेस द जो ओरिजिनल हमारा मेडल था उससे क्लियर है ओके okay. तो so, सबसे पहले आते हैं मेडल एक्सेस डिफेक्ट पे लेट टू गेडल एक्सेस दो तरीके से हो सकता है इसको करने के दो तरीके एक बाय अनाइनिक वेकेंसी बाय अनाइन वेकेंसी बाय अनाइन वेकेंसीज बच्चों देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसमें लिखने का बहुत ज्यादा है आदर आई कूड जस्ट रिटर्न द नोट्स एंड देन रेड इट टू यू यहाँ पे अब थोड़ी मेहनत बढ़ने वाली है यू टू राइट इट आउंड एबल टू एक्सप्लेन ठीक है कि दोनों काम करने हैं हमें तो स्टार्ट करते हैं नेगेटिव आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेट इज साइड हम मान के चल रहे हैं कौन बंदा लेट इज बना रहा अनाइन इट इज बिगर इन साइड तो इट इज मिसिंग फ्रॉम इट साइड एंड इन इट्स प्लेस क्या है बेटा अ होल ओके एंड दैट होल बाय इलेक्ट्रॉन ठीक है इट इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन क्लियर हुई है चीजें नहीं हुई हमारा अनायन मिसिंग है और उसकी जगह क्या प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन क्यूँ वही न्यूट्रलिटी तो मेनटेन रो नहीं है सीएल माइनस है सीएल माइनस को अगर बाहर निकालोगे तो उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए गेटिंग द आइडिया टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रेलिटी इसका मैं कॉमा लगाया थाट मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां तो कोई डॉ अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ट्रेप इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन ट्रेप्ड एफ मूवमेंट वो ज्यादा कर नहीं सकते समझ आ रहे नहीं आ रहे दिलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एफ सेंटर या कलर सेंटर्स इन ट्रेब्ड इलेक्ट्रॉन को जो कि अनायन की जगह लेके बैठे हुए हैं अनयन की जगह बैठे हुए हैं उन्हें बोलते हैं एफ सेंटर या कलर सेंटर बिकॉज दे आर स्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द क्रिस्टल जो कलर ऑफ क्रिस्टल है वो किसकी वजह से है इंट्रेप्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से अब बेटा फील तो ऐसी आ रही है कि हमारा कुछ मिसिंग है राइट उसकी जगह इलेक्ट्रॉन है मिसिंग है समथिंग दैट कटायन और अनायन मैसी जो अनायन है हमारा इस केस में मिसिंग है एंड यू वॉट इलेक्ट्रॉन इन दैट प्लेस तो पे क्योंकि देर इज समिंग मिसिंग फ्रॉम द लैट इट इज सिमिलर टू शॉर्ट की डिफेक्ट शॉर्ट में भी होता है, missing hydrogen, anion, missing. Missing है। है है, इसमें भी पे पे उसकी जगह एक तो इट इज सिमिलर टू शॉर्ट की डिफेक्ट ठीक है बिकॉज समथिंग मिसिंग इट इज सिमिलर टू शॉर्ट की डिफेक्ट और ये उन्हीं क्रिस्टल्स में पाया जाता है जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट देखा जाता है एंड इज फाउंड इन क्रिस्टल्स हैविंग शॉर्ट की डिफेक्ट यहां तो कोई डाउट अब आते हैं एग्जाम्पल आई मीन ये तो हमने बता दिया कि अनाइन इज मिसिंग और किसी जगह इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एन ए सी एल क्रिस्टल है वेन हीटेड इन एन ए वेपर एटमोसफियर हमने एन ए के वेपर्स पास करे सोडियम के क्या पास करे वेपर्स पास करे ओवर एन तो क्या होगा एन ए इज डिपॉजिटेड ऑन सरफेस एन ए किस पे डिपॉजिट हो गया सरफेस पे नाउ सीएल माइनस डिफ्यूज टू द सरफेस एन जो हमारा सरफेस पे डिपॉजिट हुआ था उसको एक तरीके मिलने के लिए उससे रिएक्ट करने आर दे कम्बाइन वे आर दे कम्बाइन विद एन एटम्स विच इलेक्ट्रॉन कुछ समझ में आया नहीं आया तो. मिलने आया अब यहाँ पे एन ए बन गया और डू यू रियलाइज एन ए बनने में एन एन प्लस बनाया होगा इसमें। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ होगा इन द reaction। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके जहां पे सीएल माइनस जहां से निकला था सरफेस की तरफ आया था यह वहां पे जाके अटक जाएगा इट विल डिफ्यूज टू वेकेंट जो साइट हमारे पास आई बेटा देखो ऐसे मान के चलो ये एन क्रिस्टल है यहां पे एन के वेपर डिपॉजिट हुए एन सोडियम डिपॉजिट हुआ वेपर जब पास करे हमने तो सोडियम डिपॉजिट हो गया सी एल माइनस यहाँ से यहाँ गया एन ए सी बनाया इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ क्लियर क्योंकि एन ए प्लस सी एल माइनस विल गिव एन ए प्लस सी एल माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन वापस साइड पे जाके अटक गया जहां पे जहां से सी एल माइनस निकला था वहीं पे इलेक्ट्रॉन जाके चला गया समझ आ रहा है नहीं आ रहा है हाँ क्या कह रहे हो एन डी इलेक्ट्रॉन वहां पे फंस गया जहां पे मतलब वहां पे जाके

डिफ्यूज इंटू द वेकेंट साइट क्रिएटेड समझ में आया नहीं आया जो वेकेंट साइट क्रिएट हुई वहां पर इलेक्ट्रॉन चला गया जो वेकेंट साइट कहां से बनी थी सी एल माइनस के निकलने से अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं The electrons absorb, in may they absorb some light from white light. From white light. They absorb some light from the white light. Okay, guys. And re-emit the yellow color. टू एन एस सी एल क्रिस्टल कुछ समझ में आया है नहीं आया कि दीज इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ एनएसएल ठीक है अब अगर तुम एन ए सी एल के बजाय एल आई सी एल लेते हो तो एक्सेस ऑफ एल आई इन एल आई सी एल गिवस

एन ए डाल के समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्लियर है गाइस दैट इज़ मेडल एक्सेस कि हमने के भेजे और तुम्हारा यू गॉट एक्सेस ऑफ मेडल कोई डाउट नहीं आता मेडल एक्सेस इस तरीके से बन रहा है तो एल आई में पिंक कलर इसकी वजह से आता है एंड एक्सेस ऑफ पोटेशियम इनकेस एल मेक्स इट वॉलेट उनका कलर क्या है वो मैंने बता दिया बिकॉज ऑफ मेडल एक्सेस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों तो थोड़ा ऊपर कर दो हाँ बेटा बस ये हमारा पहला तरीका था मेडल एक्सेस करवाने का दिस वाज द फर्स्ट मेथड बाय अनायनिक वैकेंसीज अब आते हैं बाय अभी तो हमने अनायन कम हो गया अनायनिक वैकेंसी का मतलब है अनायन कम हो गया एक तरीके से वेपर जब भेजे तो हमारा मेडल के पेपर भेजिए हमने मेडल ज्यादा हो गया अनायंस कम हो गया तरीके कोई डाउट यहां तक अब आते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायंस इन इंटस्टिशल साइट्स इंडिसिशन साइट्स में एक्स्ट्रा कैटायंस घुस जाएंगे उस वाले में तो प्रॉपर क्रिस्टल बनना था लेकिन तुम्हारा कुछ माइनस साइट्स वर वेकेंट वेकेंट इन द सेंस ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन ये डिफरेंट है हमारा तो मैं एक बार पहले लिख देता हूँ फिर पता चल जाएगा इसमें क्या होते हैं एक्स्ट्रा कैटायंस ऑक्युपाई इंडस्ट्रीशियल साइट ऐसा पहले वाले में था क्या ना विद इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अनदर इंडस्ट्रीशियल साइट कुछ इंडस्ट्रीशल साइट में कटाइन बैठे और कुछ में इलेक्ट्रॉन्स बैठे टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ठीक है अब देखते हैं कैसे बनता है पहले well, एक चीज और लिख मैं दिस डिफेक्ट क्योंकि इंटर स्टीसीज में हमारा क्या है मेडल आइंस गए हुए हैं दिस इज लाइक ए फ्रेंकल डिफेक्ट दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू फ्रेंकल डिफेक्ट एंड इज फॉर्मड frankel कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ अभी हुआ कैसे वो देखो आई मीन हाउ डिड सॉलिड है उसमें आयंस

लेकिन यहां पे सीएल CL जगह क्या so आ गए इलेक्ट्रॉन तो फील ये आ रही होती है कि डेंसिटी शुड एक्चुअली डिक्रीज है ना समझ गए गुड हाँ तो अब आते हैं इस केस पे ये देखा जाता है कि इसके अंदर जेड एनो जेड वेन हीटेड When heated, heated loses oxygen and turns yellow and turns yellow. Reaction देखो, guys, convenient रहेगा। हमने क्या जैरेनो है। इसको जब तुमने heat किया Guys, इसको लिए क्या है? ZN2 N, o, ZN2 रहा o, ने लूज कर दिए का मतलब हो गया ओ गया दो एक्सट्रा इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए क्या बनाएगा ये ओ याराफू ठीक है और इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज करे दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे ऐसे मान के चलो ये है इस क्रिस्टल को तुमने जब हीट करा तो इतना क्रिस्टल गया गया मतलब ये है उसका ऑक्सीजन ओ टू की फॉर्म में गया ठीक है हमने इतने पार्ट को ब्रेक हो गया अब इस पार्ट का जो ऑक्सीजन है वो तो चला गया और जो जेड एंड टू प्लस और इलेक्ट्रॉन है वो रिमेनिंग क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टीश में घुस गए समझ में आया नहीं आया कुछ इंडस्ट्रीशीज में इलेक्ट्रॉन घुस गए और तुम्हारा ये जो सॉलिड बचा इतना पार्ट ये सॉलिड इसमें मेटल का एक्सेस आ गया समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी है नेबरिंग इंडस्ट्रीशल साइड के अंदर कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ तो मुझे बताओ इसमें डेंसिटी के क्या फर्क पड़ना चाहिए बाय द वे इंक्रीज इंक्रीज होनी चाहिए तो ये आ रहा नहीं आ रहा एक्स्ट्रा इंस प्रेजेंट है तो डेंसिटी शुड बी हायर गुड मैं लिख देता हूं द एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म या फॉर्म आगे आता है गेट ट्रैप्ड इन टू इलेक्ट्रॉन्स uh, के इलेक्ट्रॉन्स के बाद देता हूँ कुछ में इलेक्ट्रॉन्स गए कुछ में जेड एंड टू प्लस गए हाँ है ना देक्स जेड एंड टू प्लस फॉर्म्ड ऑन

ट एंड वाइट वैन कोल्ड कोई डाउट बच्चों हाँ तुमने ऑक्सीजन का पूछा था हाँ। बेटा ऐसे मान के लो हमारे पास जेड एंड टू प्लस है और ओ टू माइनस है ये एज इट इज रहा ओ टू माइनस ने इलेक्ट्रॉन लूज करे क्या बनाया ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन And that o combined to give O2. नहीं आ रहा है आइडिया ये और ये जो आय मेडल के आइन्स है ये इंटरस्टीज में गए बचा हुआ है जिसकी वजह से अगर तुम सोचोगे तो यू कैन इजिली रियलाइज डेंसिटी तुम्हारी क्या होनी चाहिए इंक्रीज होनी चाहिए मतलब मुझे मैं o नहीं लिखना ठीक है दोनों में फर्क समझ में आ गया एक नोट क्रिस्टल विद आइदर टाइप ऑफ मेडल डिफेक्ट मेडल एक्सेस डिफेक्ट इनमें से कोई सा लो ठीक है ना

मेरे को नहीं लगता मैंने इसका बनाया था किसका एनए वाले का तो पहले आते हैं अनैनिक वेकेंसी अन वेकेंसी हम कहेंगे ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस इलेक्ट्रॉन बी माइनस ए प्लस बी माइनस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑक्यूपाइंग द प्लेस जहां पे हमारा अनायन होना चाहिए था दिस इज दिस इलेक्ट्रॉन और जिसको हम बोलते हैं एफ सेंटर अब आते हैं इन इंटरस्टिशियल इन, साइड इसमें हमारा क्या हुआ फिर से बनाते हैं ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस यहाँ पे हमारे पास ए प्लस है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है एक जगह ए प्लस है एक जगह इलेक्ट्रॉन है ये इंटरस्टिशियल हो गए ये साइड हो गई जहां पे हमारा कुछ में कटायन घुसे पड़े और कुछ में इलेक्ट्रॉन घुसे पड़े समझ गए टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन हमारा क्या होगा बेटा डेंसिटी बढ़ गई अब आते हैं मेटल लेट अस गो ऑन टू मेटल डेफिशिएंसी अब हमने दोनों जो पढ़े वो मेटल एक्सेस पढ़े ठीक है गुड अब आते हैं मेडल डेफिशिएंसी पे दिस अकर्स क्या हो गया ऊपर करूं ओके होल्ड ऑन क्या हो गया इतना काफी है दिस अकर्स व्हेन मेटल्स शो Variable ये एफ प्लस टू प्लस थ्री एनआईट प्लस टू प्लस थ्री एम एन तो plus plus 3, plus plus 3, बहुत सारी शो करता है समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों उससे हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हम देखेंगे कैसे होता है पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं The cation is missing from its lattice side, and there is a cation. विद हायर चार्ज विद हायर चार्ज इन एडजस्टेंट साइट नहीं समझ आया होगा आई एम श्योर नहीं समझ आया होगा गैर कुछ समझ आया नहीं आया इसके एग्जाम्पल कौन से हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड एग्जाम्पल एफ एन आईओ एफ देखो एफ ई टू प्लस है तीन एफ टू प्लस फेंक दिए बाहर ठीक है मतलब तीन कटाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन और उसकी जगह तुमने क्या डाल दिए? टू एफ ई थ्री प्लस डाल दिए अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, तो मुझे बताओ वैकेंसी कितनी आएगी? दो एफ थ्री प्लस आए चार्ज न्यूट्रिलिटी में समझ आ रहा है दोनों से प्लस सिक्स आ रहा है राइट right? अब फॉर एवरी थ्री एफ टू प्लस रिप्लेस यू आर गेटिंग टू एफ सी प्लस मतलब एक वैकेंसी जनरेट हो गई समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चा दैट इज योर मेडल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ओके एग्जांपल लेते नोट करना तुम्हें अच्छा अभी नोट ही नहीं किया तुमने ओके okay, करो मैं बनाता हूँ ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस सॉरी ये पड़ेगा बी माइनस से इसको मैं वैकेंट छोड़ा हूं बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए टू प्लस बी माइनसा एम टी स्पेस ओवर है भाई हमने दो ए प्लस हटाए और एक ए टू प्लस रख दिया समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों प्लस से पे पे और यहां पे। हमने दो ए प्लस रख दिया तो वैकेंसी कितनी is how you generate metal deficiency defect. Metal कम हो गया मेडल का जो अमाउंट है वो कम हो गया इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते बेटा बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जैसे तुम्हारा शॉर्ट के डिफेक्ट पे क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंकल पे बन जाएंगे तीसरा जो डिफेक्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो है मेडल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है जो इस टाइप के बनते हैं ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे लेट इसटी डिफेक्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि हमने कुछ और ही रख दिया हमने यहां पे हम एफ ई टू प्लस आगे एफ ई थ्री प्लस रखें सेम मेटल इज बिंग इन डेफिशियंस समझ आ रहा नहीं आ रहा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब हम कुछ और ही रख देंगे इन प्लेस ऑफ द मेटल आए तो दिस इज व्हेन फॉरेन एटम्स आर प्रेजेंटेड लेडिस साइड एट सम ऑफ द कुछ लेटेस्ट पे क्या प्रेजेंट है फॉरेन एटम ठीक है ना गाइस या तो हमारा लेटेस्ट पे प्रेजेंट है या वेन्ट इंटरस्टिशियल साइड्स पे प्रेजेंट है और वेकेंट इंटरस्टिशियल साइड्स कुछ समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे इज दिस क्लियर और नॉट ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं बेटर फील आएगी पहला आते हैं इन आयोनिक सॉलिड्स इन आयोनिक सॉलिड इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड्स एंड कॉल सॉलिड्स दोनों के लिए देखेंगे आयोनिक सॉलिड्स में बड़ा अच्छा है तुम क्या करो यू एड इम्प्योरिटी ऑफ at impurity uh, of ions having different charge f2 plus f with c plus scenario bundai having different charge at different oxidation state than that of host ions ठीक है क्रिएटिंग वैकेंसीज कुछ समझ में आया या नहीं आया मतलब एग्जांपल ये ऐसे मानिए चलो ऐसे हमने k प्लस लिया या एन ए लिया दो एन ए हटाए और उसकी जगह बी ए टू प्लस डाल दिया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है फील वही है जैसे तीन एफ ई टू हटाए और दो एफ ई थ्री डाल दिए लेकिन यहाँ पे हम एफ से को एफ से नहीं कर रहे हम यहाँ पे हटा के बी ए डाल दिया एस आर डाल दिया, एम जी डाल दिया गए तो वो करते तो एग्जाम्पल ले मोल्डन एन ए सी एल इज अलाउड टू कूल मोल्डन एन ए सी एल Containing bit of S R C L two is allowed to cool as impurity is allowed to cool. Impurity? is it? Ki S R C L two. As impurity is allowed to cool. लेडे साइट आर सम लेडेस्ट साइड स्टेटमेंट बनाना मुश्किल पड़ रहा है रुको इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं

वन एस आर टू प्लस इज प्रेजेंट टू मेन्टेन न्यूट्रलिटी समझ में आया नहीं आया बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चीज फॉर एवरी टू एन ए प्लस यू हैव गॉट वन एस आर टू प्लस ये हमारा इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स अब आते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड्स टू इन कोवलेंट सॉलिड्स तो हम क्या करेंगे उसे देखो गाइस ये होता है दो तरीके से हम कर सकते हैं इंप्योरिटी डालना या तो तुम देखो गाइस नॉर्मली हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे ग्रुप फोर्टीन के ग्रुप फोर्टीन के एलिमेंट के हमारे पास क्रिस्टल है ठीक है क्या है अब उसमें हम ग्रुप फोर्टीन का एलिमेंट हटा के या तो ग्रुप थर्टीन का डालेंगे या ग्रुप फिफ्टीन का डालेंगे ग्रुप थ्री एलिमेंट्स या ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स आर एडेड टू या आर एडेड टू कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे आर एडेड टू ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स एलिमेंट क्रिस्टल्स ठीक है क्या है या तो ग्रुप थर्टीन के डालेंगे या ग्रुप फिफ्टीन के डालेंगे और वो ऐड भी कैसे हो रहा है दे आर बीइंग सब्सिट्यूटेड कि ग्रुप फोर्टीन के, के हटके ग्रुप थर्टीन के आ गए या ग्रुप फिफ्टीन के आ गए सम ऑफ द एटम्स ऑफ ग्रुप फोर्टीन आर रिप्लेस बाय आइदर ग्रुप थर्टीन और ग्रुप फिफ्टीन ठीक है अब ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट में क्या आते हैं सिलिकन जर्मेनियम ठीक है गाइस इसमें व्हेन ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स आर एडेड आर सब्सिट्यूटेड बेसिक सब्सिट्यूट रहे हैं किसको ग्रुप फोर्टीन के एलिमेंट्स को वेन ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स सब्सटीट्यूट ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स दे एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन ये चीज समझ में आई आ रही है ग्रुप फोर्टीन गैस चार एलिमेंट इलेक्ट्रॉन uh, थे ठीक है ग्रुप फिफ्टीन गैस पांच इलेक्ट्रॉन थे चार उसने बॉन्डिंग में लगा दिया और एक उसके पास क्या हो गया फ्री एक्स्ट्रा ठीक है आफ्टर फॉर्मिंग फोर कोवलेंट बॉन्ड्स वन इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेस एंड विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन समझ में आया नहीं आया बच्चे कोई डाउट यहाँ था ऐसे मान लीजिए सिलीकन है सिलीकन है सिलीकन है मैं थोड़ा स्पेस देता हूं सिलिकन है सिलिकन है होल्ड ऑन, ठीक है इसमें तुम्हारा क्या आ गया हमने यहां पे सिलिकन लिया यहां पे सिलिकन लिया और अब हमने सिलिकन की जगह क्या ले लिया फास्फोरस या तुम्हारा आर्सेनिक, आर्सेनिक ले लेते हैं सिलिकन लिया रेस सिलिकन है बीच में क्या आ गया एक आर्सेनिक मैं इधर एग्जांपल भी लिख देता हूं फॉस्फोरस या आर्सेनिक ठीक है बच्चों फॉस्फोरस या आर्सेनिक इसमें क्या हो गया तुम्हारा ये हर कोई चार चार बॉन्ड बना थे हाँ है ना है ये डायग्राम ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दिख रहा नहीं दिख रहा है बच्चों इट अ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, चार उसने बॉन्ड बना दिए एक दो तीन चार उसके बाद भी इट इज गॉड अ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हेल्प इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ठीक है अब आते हैं सिलिकन या जर्मेनियम पे वेन ग्रुप 13 एलिमेंट आर एडेड

Group fourteen elements fourteen elements. Here yeah, when group thirteen elements substitute group fourteen elements it leads to electron deficient bond. It leads to formation of electron deficient bond rather. It leads to formation of electron deficient bond. ये उसे हम क्या बोलते हैं hole. ये वही चीज है जो हमने इससे पहले क्या सीखा पढ़ा था. And such holes can also move. तुम्हें याद होगा मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन विल गो टू ऑक्यूपाई द होल मेकिंग अ होल इन इट्स प्लेस इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे से होल होता सपोजिंग यहाँ पे मैं चलो मैं अभी बनाता हूं सच होल्स आर या कैन सच होल्स कैन मूव अलोंग क्रिस्टल सच होल्स कैन मूव अलोंग क्रिस्टल गिविंग राइज टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझ में आ रहा नहीं आ रहे बच्चों इन होल्स की वजह से भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है होल्स की मूवमेंट हो सकती है ठीक है का यहाँ पे हमने इसी में बनायाता हूं इतनी मेहनत तो क्यों करें यहाँ पे तुम्हारा ये खाली है खाली है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको ऑक्यूपाई करने जाएगा मेकिंग होल इनिट्स प्लेस समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों इट गोज ऑक्यूपाई होल एंड इट मेक्स अ होल इन द प्रोसेस दैट इज कोई डाउट यहां तक बच्चों बताओ क्लियर है अब ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट में जब तुम एड करते हो क्या ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स

Which flows in them. कोई डाउट यहां तक बच्चों हाँ है ना ऐसी जब हम ऊपर करना है क्या डोप्ट एक्चुअल टर्म ठीक है And when group fourteen elements are doped with group thirteen elements, they are called P-type semiconductors. They are called P-type semiconductors. इंडिकेट पॉजिटिव होल की मूवमेंट पॉजिटिव होल का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशियन उसकी मूवमेंट पॉजिटिव होल मूवमेंट यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ गुड yes, तो अब एक काम करते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ठीक है आई थिंक क्वेश्चन लिखना है तो लिखना है नहीं थ्योरी भी बाकी है जितनी करवाई है उससे थोड़ी सी ज्यादा थ्योरी और बाकी है ठीक है जितनी करी है अभी हमने उससे थोड़ी ज्यादा अभी बची है हमारा करना इसलिए मैं कह रहा होता हूँ ये हमें लिखना पड़ता है ये हमें लिखने का काफी ज्यादा है इसमें ठीक है गाइस यहां तक हुआ है नहीं हुआ ये बताओ मुझे हाँ कोई डाउट किसी बच्चे को बच्ची नोट करी थी बेटा नोट कर लिया ओके yes, फाइन okay, नोट कर लिया देन इट्स गुड हाँ आगे चले बच्चों ओके लेट्स गो जस्ट होल्ड ऑन अ सेक हाँ तो बच्चों मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं सुनते आओ क्वेश्चन हमें कह रखा है पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सुनते आओ देर आर एन शॉर्ट की डिफेक्ट इन ए आयनिक क्रिस्टल हैविंग एन n एन n n हैं उसमें स्मॉल n शॉर्ट की डिफेक्ट है ठीक है गाय

For creating that defect, that is इज electron volt, okay? K के की वैल्यू तुम्हें पता ही क्या होती है बच्चों वन पॉइंट थ्री एट इंटू टेन एच माइनस ट्वेंटी थ्री हमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर find the value of मोल फ्रैक्शन फाइंड एक्चुअली कह रखा है एक चीज एक्स क्या है X is given to us as mole fraction of short key defects. Mole fraction of short key defects in crystal, and we are supposed to find out value of minus ln X. Is the value? क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ हमें दे रखा है स्मॉल n आर द नंबर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट्स टोटल आयंस आर n ठीक है गाइस n आयंस हैं उसमें उन n आयंस में यू हैव गॉट n शॉर्ट की डिफेक्ट्स क्लियर है गाइस क्रिस्टल के अंदर n आयंस हैं और n शॉर्ट की स्मॉल n शॉर्ट की डिफेक्ट्स हैं कैम्ब्रिजिया दे रखा है डेल्टा इज दे रखा है कि हमें पता ही है

शॉर्टकी डिफेक्ट का दैट इज बेसिकली मोल्स ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स कितने मोल शॉर्टकी डिफेक्ट है बाय टोटल मोल्स है ना बच्चों बाय टोटल मोल्स विच इज मोल्स ऑफ आयंस प्लस मोल्स ऑफ शॉर्ट शॉर्टकी डिफेक्ट्स कितने आयंस प्रेजेंट है एंड कितने शॉर्ट शॉर्टकी डिफेक्ट है उन दोनों के मोल ऐड कर दो देर इज द मोल अक्शन हाँ ना मोल ऑफ शॉर्ट शॉर्टकेट इफेक्ट बाय टोटल ही मोलता हूं मैं उसके बाद नीचे लाइन में लिख दूंगा टोटल मोल समझ के डिफेक्ट प्लस मोल्स ऑफ आय प्रेजेंट इन क्रिस्टल हाँ या ना ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस अब हम कहेंगे दे आर एन की इफेक्ट्स याद है स्मॉल एन तो मोल्स ऑफ शॉर्ट नंबर ऑफ की इफेक्ट एन है स्मॉल एन सो कैन आई से एन मोल्स ऑफ शॉर्ट गोइंग टू बी एन बाई एन ए ये कितने बच्चों को समझ में आ गया ये बताओ मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे रेस्पॉन्ड विद यस और नो यस सर ये रेशो हमें निकालनी ये रेशो तो रिलेटिवली आसान है निकालना कैसे हम कहेंगे एन ने हट गया ये हमारा आया एन बाय एन प्लस एन और हमें पता है क्या पता है ऊपर एक फॉर्मूला हमने देखा था एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन ई रेसी पावर ये काम करते हैं सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में करते हैं जहां पे मैं डायरेक्टली से यूज कर सकू ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी लिखा है गोइंग टू बी सिंपली ई रेसी पावर माइनस ई बाय टू के बाय ई पावर माइनस ई बाय टू के प्लस वन कुछ समझ में आया या नहीं आया ये बताओ अब गाइस ई e हमें दे रखा है दे रखा है नहीं दे रखा है बताओ मुझे ई e की वैल्यू क्या है गाइस ध्यान से देखो लिखा हुआ है मैंने? लिखा हुआ गायस ये वैल्यू में है जूल पर कैलविन इसका मतलब एनर्जी भी किसमें चाहिए जूल में वेरी इंपॉर्टेंट दाइज तो हमारा जो ई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी ई हमें देखा है कन्वर्ट करोगे तो नहीं करोगे ये हमारा ई होगा के हमें पता है और टी मैंने लिखा हुआ था इस दिन टी वॉज ट्वेंटी हंड्रेड कर तो सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये क्वेश्चन ये बताओ मुझे कोई डाउट तक बच्चों बताओ क्लियर हो गया अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हें मेडल डेफिशिएंसी के साथ करवाने मुझे, ठीक है मेडल डेफिशिएंसी के साथ रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमें करने हैं, स्टार्ट करते हैं करें स्टार्ट अस डिस्कस द रिलेटेड टू मेडल डेफिशिएंसी क्वेश्चन ये नोट कर लिया था ना बच्चों क्वेश्चन हमें दे रखा है एफियो क्रिस्टलाइजेस इन एन टाइप लैटिस ओके इसका एनए टाइप लैटिस है But it is non-statiometric. The crystal is non-statiometric. Some cationic sites are vacant. And some contain Fe3 plus ions. नॉन शोमेटिक डिफेक्ट दिख रहा है मेडल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमें कह रखा है फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल इज एफ जीरो पॉइंट नाइन फाइव ओ ओ का मतलब है ओ वन क्लियर है गाइस ये हमें फॉर्मूला दे रखा है हमें पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफ ई टू प्लस टू एफ्री प्लस इसके में रेशियो पूछी गई है इन द सोल जीरो पॉइंट नाइन फाइव क्यों आ रहा है अगर ऑक्सीजन का बन है तो आयरन का भी वन ही होना चाहिए था एफ ई जब क्रिस्टल की बात एफ ई ओ करी गई है तो इट शुड हैव बीन लाइक दैट ओनली ये जीरो पॉइंट नाइन फाइव क्यों आ रहा है कि कुछ आयरन कम है से तीन एफ ई टू प्लस गए और दो एफ ई थ्री प्लस आए सो ये वेकेंसी हम कहेंगे आयरन का कंटेंट रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज अ रीजन क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा पहली चीज जीरो पॉइंट नाइन फाइव और वन नहीं मानेंगे हम इसे मानेंगे एफ नाइन ऑक्सीजन हंड्रेड दुम जीरो है गायस यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या है चार्ज न्यूट्रेलिटी समझ में आ रहे नहीं आ रहे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसे हम फोकस कर रहे होंगे दैट इज चार्ज न्यूट्रेलिटी गाय समझ गए लेटस एज्यूम लेटस अज्यूम इन क्वेश्चन दैट वी आर गिवन टोटल आर एन के कितने डोंट मी हंड्रेड माइनस एक्स गोन माइनस एक्स टोटल नाइनटी फाइव है राइट जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज होगा

बताओ हाँ ये समझाओ देखो ये, ये हमारा एफ ई थ्री प्लस कितना था एक्स इस पे चार्ज एक आयर्न पे चार्ज है प्लस थी तो टोटल पॉजिटिव चार्ज थ्री एक्स आ गया अब एफ टू प्लस के हमारे

हमारे पास टेन एफ ई थ्री प्लस है और एफ ई टू प्लस कितने फाइव कोई डाउट बच्चों रेशियो पूछी गई है रेशियो तो आ गई हमारी एटी फाइव अच्छा बाई टेन इज द रेशो अच्छा बाय चांस बाय चांस तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया होता नंबर ऑफ Vacancies. Vacancies है? तो बताओ कैसे करोगे बच्चों हाउ यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेकेंसी कितना बताओ. ये मैंने इसके लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ रेशियो तो हमने निकाल दिया दिस वॉज दार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन सेकेंड पार्ट हमारा क्या आ गया

फाइव परसेंट आर वेकेंट कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मुझे गाइस क्लियर गुड अब आते हैं लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑफ सिमिलर टाइप क्वेश्चन हमें क्या रखा है सीडीओ हैज़ NaCl type, lattice. Okay? है, जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है सी डी ओ जीरो पॉइंट नाइन फाइव ओके अब ये कैसे आया मतलब पैटर्न इन द सेंस यहां पर हमारा अनायनिक मतलब अनायन कम है इतना समझ आ रहा नहीं आ रहा है मतलब कटायन ज्यादा है एज कंपेयर टू अनायन ये कैसे आ रखा है हमें क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर कि सम ऑफ द कटाइन की जो पोजिशन थी दे आर ऑक्यूपाइड बाय सी डी आइटम इंस्टेड ऑफ सी डी टू प्लस सम कटाइनिक साइड आर ऑक्यूपाइड बाय सी डी इंस्टेड ऑफ सी डी टू प्लस समझ गए तो यहां से तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए हा है ना एंड इंपॉर्टेंट चीज इक्वी वैलेंट नंबर ऑफ अनायनिक साइट्स आर वेकेंट अनायनिक साइट्स आर वेकेंट ठीक है Clear है, guys? फिर से समझो हमें दे रखा है सी डी के मान के चलो हंड्रेड है आइडिया इज ऐसे समझो कि सी डी के सपोजिंग हमारे पास हंड्रेड थे ओ के हमारे पास हंड्रेड होने चाहिए राइट सपोजिंग हमने पांच सी डी टू प्लस की जगह क्या रख दिए पांच सी डी की जगह हमने क्या यूज कर लिया एटम तो अब पांच की जगह पांच सी डी इसका मतलब पांच ओ टू माइनस आर मिसिंग ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है यही चीज लिखी हुई है ऊपर कुछ कटानिक साइड की जगह एटम्स है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ में तुम्हारा अनायनिक साइड्स की जगह कटानिक साइड्स की जगह क्या है एटम्स और जितने एटम्स हैं उतने ही हमारे मिसिंग चार्ज न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होनी चाहिए ना क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गायस पक्का हाँ ये मैंने एग्जाम्पल लिया दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल कोई डाउट यहां तक फाइन सबसे पहली चीज गायस हमें पूछा गया है वॉट इज द परसेंटेज ऑफ अनाइनिक साइड वैकेंट कितनी परसेंट अनायनिक साइट्स वैकेंट है गैस बताओ इजीली आईडेंटिफाई कर सकते हो टोटल अनायनिक साइट्स कितनी होनी चाहिए जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था अगर सी के हंड्रेड हैं तो ऑक्सीजन के भी हंड्रेड होने चाहिए थे, फाइव अनायनिक साइट्स आर वैकेंट परसेंटेज पूछी गई तो परसेंटेज कितना होगा इट इज गोइंग टू बी 5% ये चीज समझ में आई नहीं आई ठीक है अब अगर अनायनिक साइड तुम्हारी पांच मिसिंग है इसका मतलब है पांच सी टू प्लस की जगह क्या प्रेजेंट है सी ठीक है ना यहां से तुम्हें दिख रहा है जितने हमारे सी टू प्लस की जगह सी डी है उतने ही हमारे ऑक्सीजन मिसिंग है 100 में पांच ऑक्सीजन आर मिसिंग इसका मतलब पांच सी टू प्लस की जगह क्या है सी डी में नाइनटी आर सी एंड फाइव आर सी और इसीलिए फाइव ओ टू माइनस आर मिसिंग ये मैंने एग्जांपल वैसे ही लिया था समझाने के लिए बट क्वेश्चन के हिसाब से इट इज सेम ठीक है क्लियर हो गई ये चीज गुड दूसरी चीज हमें पूछी गई है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज व्हाट इज आस्क दिस वाज़ द फर्स्ट पार्ट दिस इज द सेकंड गाइस ये बड़ा आसान है लग नहीं रहा होता ऐसा लग रहा होता है कि सर इसको कैसे सॉल्व

यहां पे विल टेक द मॉलिक मास ऑफ सी डी वन ओ जीरो पॉइंट नाइन फाइव इट इज गोइंग टू बी एटॉमिक मास ऑफ सी डी प्लस जीरो पॉइंट नाइन फाइव अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्लियर हुआ या नहीं हुआ ना आई एम अज्यूमिंग जो भी हमने लिया है ये हमने किसमें ले रहे हैं ग्राम में ही ले रहे हैं ऑब्वियसली हाँ है ना तो बाय एन ए कर दो और बाय ए क्यूब भी कर दो Do you realize or not that is going to give you the answer? ये बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई एक काम करता मैं इसकी तो वैल्यू डाल दू फोर नाइनटी सॉरी फोर सेवेंटी था ना फोर सेवेंटी इंटू टेन इज टी पावर माइनस टेन का होल ये हमारा आंसर किसमें देने वाला है बाय वही डेंसिटी है किसमें इट इज गोइंग टू बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर एम समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों

परफेक्ट सॉलिड होता नो स्टैश्रिक डिफेक्ट नॉन स्टैश्रिक डिफेक्ट अगर डिफेक्ट ना होता देन वुड डेंसिटी, हम निकल आती नहीं निकलाती बच्चों, ये, बताओ. ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा ये क्लियर हुआ नहीं नीमा किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ बोलोग कोई डाउट नहीं नाइस एक और क्वेश्चन करते हैं यहां से एक और फॉर्मुला निकल के आएगा विच इज इंपॉर्टेंट फॉर हमें यूनिट सेल ऑफ एन की एज लेंथ दे रखी है कितनी दे रखी है गाइस हमें हमें एज लेंथ दे रखी है जीरो पॉइंट फाइव सिक्स टू सेवन एन ये किसकी दे रखी है

डिफरेंस डेंसिटी ऑब्जर्व ऑब्जर्व तो हमें दे ही रखी है ये कैलकुलेटेड डेंसिटी कितनी आनी चाहिए थी डेंसिटी थियोर्टिकल माइनस डेंसिटी ऑब्जर्व पूछा गया ऑब्जर्व तो दे रखिये टू पॉइंट वन सिक्स फोर थियली कितनी आनी चाहिए थी बच्चों हम कहेंगे फॉर्मुला लगा दो फोर इंटू फिफ्टी एट पॉइंट फाइव बाय एन ए

तो इसको हम एक काम करते हैं ये हमें रुक जाओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई एनएम को हमने किस में कर दिया एंगस्ट्रॉम में करोगे तो ये आएगा इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है दिस गोइंग टू बी द यूनिट इन एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम को जब तुम सेंटीमीटर में करोगे तो ये क्या आएगा 5.627 10 बार -8 uh -huh. का होल क्यूब uh -huh. ये हमारा डेंसिटी दे, दे देगा इन ग्राम पर सी सी यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा है क्लियर है यहां तक गुड ये डेंसिटी हमारी क्या निकल के आती है ये आती है टू पॉइंट वन नाइन थ्री ग्राम पर सी सी गाइज ये तो हमारी जो एक्चुअल डेंसिटी है वो इससे कम है इसका मतलब यहां पे कौन सा डिफेक्ट चल रहा होगा एन में हमें वैसे भी बताए शॉर्ट की चल रहा होता है

एंड ये कैसे निकलेगा कितना परसेंटेज खाली स्पेस बचा है समझ में आ रहा नहीं आ रहा है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कटाइन आर मिसिंग फ्रॉम द साइड मुझे बताओ ऑक्युपाइड स्पेस को परसेंटेज ऑक्युपाइड कैन इट बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड या साइट ऑक्यूपाइड स्पेस के बजाय आई शुड यूज द टर्म साइट्स ऑक्यूपाइड कैन दैट बी रिटर्न एज डेंसिटी ऑब्जर्व बाय डेंसिटी इन टू हंड्रेड कुछ फील आ रही है इसकी ये बताओ मुझे भाई अगर ये डेंसिटी होता तो हंड्रेड परसेंट ऑफ द साइट वुड हैव बीन ऑक्यूपाइड और ये जो ऑब्जर्व है ये आ रही है इन द डिफेक्टेड क्रिस्टल हाँ या ना जिस क्रिस्टल में डिफेक्ट है ये उसकी डेंसिटी है तो डोंट यू रियलाइज कि परसेंटेज ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड कैन बी रिटर्न बाय दिस फॉर्मूला हाँ या ना तो इट इज गोइंग टू बी सिंपली 2.164 पॉइंट वन सिक्स फोर यही था ना हमने आ रही वैल्यूज यही थी ना एक बार चेक कर लू

तो guys, ये जो फॉर्मूला है इवन दिस इज इंपॉर्टेंट समझ में आया नहीं आया आई होप इट इज क्लियर टू यू इट वॉज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लैरिटी बढ़ रही होती है ऐसे क्वेश्चन से ठीक है हुआ या नहीं हुआ एक और देखते हैं ओके बेटा जस्ट बढ़ा दिया हमें पूछा गया है वॉट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कटाइन वैकेंसीज़ इन लैटिस ऑफ एन ए सी एल विच हैज बीन डोप विदेश पावर माइनस थ्री मोल परसेंट ऑफ एस आर सी एल टू गाइज क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया मतलब अगर तुम्हारे पास हंड्रेड मोल एनए सी एल है तो उसमें एस आर सी एल टू हमने कितना डाला है टेन डे पावर माइनस थ्री मोल एस आर सी डाला समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों तो एक ऑब्वियस सी चीज अगर एक मोल एन हम लेते तो हमारा कितना मोल एस आर सी डाला होता हमने हाँ इतना एस आर सी डाला होता इतना एस आर सी का मतलब है इतना एस टू प्लस गया अंदर ठीक तो है ना गाय तो गाय तुम्हें एक चीज बताया दो एन ए हैं तो एक एस जाता है मतलब हम ये कह सकते हैं जितना एस आर टू प्लस गया उतनी ही तुम्हारी वैकेंसीज जनरेट होंगी फिर से बताता हूँ देखो टू एन ए प्लस रिमूव हो उसकी जगह एक एस आर टू प्लस एड हुआ हाँ है ना और वैकेंसी कितनी जनरेट हुई एक वैकेंसी जनरेट हुई ये चीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों दो एन ए प्लस हटने से एक एस आर टू प्लस आता है और एक वैकेंसी आती है

कि वन मोल NaCl में हम देखना चाह रहे हैं कितनी कटान वैकेंसीज है तो मोल कटान वैकेंसीज से नंबर ऑफ कटान वैकेंसीज पे जाने के लिए हम क्या करेंगे इतनी कटान वैकेंसीज होंगी पर मोल ऑफ NaCl एक मोल NaCl में इतने मोल से या सॉरी इतने नंबर ऑफ कटान वैकेंसीज निकल के आने वाली है क्लियर हुई ये चीज या नहीं दिस इज योर आंसर ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड विद ए यस और नो कि सर समझ में आया है या नहीं आया यस सर क्या बताऊं यस सर पक्का क्लियर हो गया आई मीन हाउ वी गॉट टू दिस पार्ट यस सर समझ ना? आ गया आ गया समझ में गाइस अब आते हैं सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन तुम्हारा कौन सा जो हमने मेडल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखा था उसके ऊपर हां बेटा बोलो क्या कह रहे हो फिर है। तो लिखना है इधर no, लिखना है ऊपर करूं स्क्रॉल नो सर नीचे वाला लिखना है लिखो क्वेश्चन लेते हैं इतने में क्वेश्चन लिख दूटलीस्ट सर गाइस हमें लिखा हुआ है नाइन्टी सिक्स पर थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ नाइनटी सिक्स परसेंट हमें दे रखा है एफ टू प्लस और रिमेनिंग दे रखा है एफ थ्री प्लस वट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वट इज फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड ही है वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड गाइस अब यहां पे हमें दे रखा है एफ ई टू प्लस कितना है और एफ ई थ्री प्लस कितना है तो परसेंटेज दे रखी है कर लो हंड्रेड एफ ई है टोटल हाँ है ना अगर हंड्रेड एफ ई है तो उसमें हमारा नाइनटी सिक्स एफ ई टू प्लस होगा और एफ ई थ्री प्लस कितना होगा फोर एफ ई थ्री प्लस निकल के आने वाला है नहीं निकल के आने वाला है भैया अगर परसेंटेज दे रखी है तो दिस इज वॉट है ऑक्सीजन हमें निकाल रहा वहीं से फॉर्मूला निकल के आएगा ना लेड ऑक्सीजन भी एक्स ऑक्सीजन के कितने आयन जो है एक्स नाइन्टी सिक्स इंटू टू प्लस फोर इंटू थ्री इज इक्वल टू टू इंटू एक्स एक्स कितना आएगा बच्चों जरा बताना मुझे एक्स कितना आएगा मतलब फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज एफी वन जीरो, जीरो ओ वन जीरो टू या फिर एफ ओ वन पॉइंट जीरो टू अब कई बार तुम रियलाइज करोगे इन चारों ऑप्शन जो हमें दे रखी होंगे क्वेश्चन में वो उनमें से कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है इससे क्यों उन्होंने तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे देंगे वे? ये रेशियो देंगे वन बाय वन पॉइंट जीरो टू ओ वन ये भी तो वही चीज है अगर आयरन एक है ऑक्सीजन वन पॉइंट जीरो टू है अगर ऑक्सीजन एक होगा तो आयरन कितना होगा बाय वन वन। तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट है हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें ये दे रखा हो हो सकता है ये वैल्यू निकाल के दे रखी होरो पॉइंट नाइन एट टाइप कुछ और ऑक्सीजन वन इस तरीके से क्वेश्चन भी दिया जा सकता है तुम्हें इन एग्जाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज गाइस बताओ समझ में आया या नहीं आया आ गया

तुम इजीली निकाल ही पाओगे एक ये भी इंपॉर्टेंट है मतलब दिस इज अ टाइप इस टाइप का आएगा तो नाउ यू डोंट हैव टू तो पैनिक के सर ये क्वेश्चन कैसे होएगा यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजिली ठीक है तो ये तो हमारा हो गया एक काम की चीज बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इंप्योरिटी डिफेक्ट में मुझे ये बताओ इंप्योरिटी डिफेक्ट के अंदर कैन वी डिसाइड कि तुम्हारा डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब है तुमने दो छोटे कटायन हटाए मतलब प्लस वन चार्ज के और एक प्लस टू चार्ज का डाल दिया सो आई एम आस्किंग हाउ कैन यू डिसाइड कि डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी ये तो डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा आयन डाला है अगर तुम दो एन ए प्लस की जगह से एम डाल दो तो डेंसिटी क्या हो गई या इवन से के प्लस है दो के प्लस की जगह अगर तुमने एक सी ए टू प्लस डाल दिया तो बताओ डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी क्यों डिक्रीज होगी भाई देवे अरे मैं पूछ रहा हूं आई एम आस्किंग योर क्वेश्चन इंप्योरिटी इफेक्ट में डेंसिटी की बात कर रहे हैं अगर तुम दो के प्लस की जगह एक सी ए टू प्लस डाल तो मुझे बताओ डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी मास तो एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है ना मासोली के एक सी ए टू प्लस डाल दिया तो हमारा डेंसिटी घट जाएगी हो सकता है कि तुम प्लस टू आयन में कैल्शियम के बजाय कोई और उठा लो इन दैट केस तुम्हारी डेंसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी इट डिपेंड्स ऑन द आयन इट डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटी आयन जो तुमने डाला है बी ए टू प्लस ले लिया होता तो तुम्हारा क्या हो गया होता डेंसिटी बोल इंक्रीज दो एन ए प्लस का दो मतलब के प्लस तो नहीं मैं यहाँ पे एन ए प्लस लेता हूँ अगर एन ए प्लस लेंगे और यहाँ पे बी ए टू प्लस लेंगे तो आई एम प्रेडी श्योर जो तुम्हारा मार्स आएगा वो बी ए टू प्लस का ज्यादा है तो इन दैट केस यूर डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज तो यहां पे डेंसिटी का मैं क्रथ बता दू ये डेंसिटी हमारी क्या हो रही है इस केस में तो डिक्रीज हो रही है तो यहां पे मैं एक लिख दू स्टेटमेंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटी आय आइन एडेड ये चीज समझ में आई या नहीं आई बताओ गाइस क्लियर हो गया ओके okay. ना एक गाइस uh, ये देखो यहाँ टॉपिक तो हमारा खत्म हो चुका है वी आर डन विद दिस एंटायर टॉपिक डिफेक्ट्स वाला टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया नाउ द टॉपिक दैट इज लेफ्ट इज कंडक्टिविटी दैट इज अ सेपरेट टॉपिक उससे पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें आई जस्ट वॉन्ट टू नो के

तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज गैस इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट वेरीज फ्रॉम टेन डीसी पावर एट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इन्वर्स ये किसमें देखी जाती है इन मेटल्स टू टेन डीसी पावर माइनस ट्वेल्व ओम इनवर्स मीटर क्यों नहीं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इन तो बेस्ड ऑन द कर हमने जो हमारा सॉलिड्स हैं उनको तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है थ्री कैटेगरीज ऑफ सॉलिड्स थ्री ये एम कैसे हट गया एम हट गया या कैटेगरीज ऑफ सॉलर स्टार्ट करते हैं पहला कंडक्टर्स ओके बिजली जिनमें तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंड इलेक्ट्रिसिटी कंडर्ट कर सकते हैं दे आर कंडक्टर्स हाँ है ना दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंडर्ट दो तरीके से कर सकते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल ऑन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नॉ डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स चार्ज को कैरी कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं आए ना या कौन कर सकते हैं इवन आय हा डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स दे आर अगेन क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स पहला मेटेलिक कंडक्टर्स पहले हम किस पे आ गए बच्चों मेटेलिक कंडक्टर्स पे मेटेलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स मेडल स्ट्रिप हाँ या ना दूसरे स्टेप आय ग आ गए तुम्हारे इलेक्ट्रोलेटिक इलेटिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलेटिक कंडक्टर्स इसमें क्या है बच्चों आयन्स आर चार्ज कैरियर्स तो कोई डाउट बच्चों तो ये हमारा आय अगर चार्ज कैरियर्स हैं तो फ्री राइट यू नीड मोबाइल आय यू नीड आय विच आर फ्री टू मूव हाँ है ना यू नीड मोबाइल आय तो They will conduct electricity in either molten form or aqueous, right? So they conduct electricity in molten state or aqueous state. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंडक्ट करेंगे कर सकते हैं क्यों करेंगे गाइस अगर उनमें डिफेक्ट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ठीक है तो उसको भी लिख रहा हूं इन सॉलिड स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अब भी करेंगे लेकिन बहुत कम करेंगे दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी to small extent due to presence of defects due to presence of defects defects कौन से हो गए holes या electrons के जैसे समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों electrolytic कंडक्टर्स में आ गया तुम्हारा एन ए सी एल के सी एल गेटिंग अब आते हैं ये हमारा पहला था किसकी बात कर रहे थे हम वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स कंडक्टर्स में हमने दो देख लिए मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब दूसरे पे आते हैं इंसुलेटर्स टू इंसुलेटर्स They don't allow electricity to pass through. Okay. They do not allow electricity to pass through to pass through. Okay. थर्ड आते हैं सेमी कंडक्टर्स पे इनकी कंडक्टिविटी और कंडक्टर के बीच में होती है हाँ है ना जस्ट सेक दे देयर कंडक्टिविटी लाइज between conductors and insulators okay the conductivity is due to presence और तुम्हारा डिफेक्ट के कारण भी हो सकती है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्यों होगा बच्चों कि टेम्परेचर बढ़ता है तो तुम्हारा जो डिफेक्ट है वो बढ़ते हैं हाँ है ना दे आर कंडक्टिविटी इनक्रीजेज with increase in temperature. This set increase in temperature as defects increase. विद इनक्रीज इन टेम्परेचर कोई डॉट यहां तक बच्चों गैस फैन ऑफ अब आते हैं समथिंग जो तुम्हें थोड़ा बहुत समझने का है गैस इन मेटल्स अभी समझ में नहीं आएगा सुनते जाओ ठीक है ना पहले मैं लिखवा दू दे इन मेटल ऑटोमिकर्बिटल्स फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल विच आर सो क्लोज इन एनर्जी एनर्जी एज टू फॉर्म अ बैंड दे फॉर्म अ बैंड अभी ये समझ नहीं आ रहा है डोन्ट वरी अबाउट इट ओके जब तक मैं इस बैंड को खत्म नहीं करता बैंड थ्योरी को तुम लिखते आओ वेन आई एक्सप्लेन थ्रू डायग्राम इट इज गोन टू बिकम क्लियर इफ कंड Is not completely full or lies very close to higher unoccupied band. Then इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो easily अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग कंडक्टिविटी बच्चे सर सिर दर्द हो गया हाँ ना हो या होगा आई एग्री अभी और चलेगा उसका डायग्राम पे आएंगे मतलब इसका जो क्रक्स है दैट इज टू सिंपल ठीक है सुनते आओ इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स द एनर्जी गैप बिटवीन Valence band and conduction band is small and some electrons may jump from. बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ओके एंड द रिजल्ट इज सम कंडक्टिविटी थोड़ी कंडक्टिविटी है इसमें किसमें सेमी कंडक्टिव में सम कंडक्टिविटी नेक्स्ट पे आते हैं ग्रेट और गाइस राइट आई थॉट इट एड हैंग हैंग वाई नहीं आए नॉट इवन श्योर ऑफ दैट जस्ट सेक गाइस हाँ ठीक है क्लियर है बच्चों नहीं समझ आ रहा नहीं समझ आ रहा कोई बात ही नहीं एक और लाइन लिखा दो देन आई एक्सप्लेन इट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स इन Case of insulators The difference in energy in energy between valence band and conduction band band is so large that electron cannot jump from yeah electron transition is not possible hence there is no conductivity hence no conductivity इन बिटवीन रीजन बिटवीन रीजन इज forbidden जोन इज कॉल्ड forbidden जोन मेरे ख्याल से यहाँ तक बच्चों का सिर दर्द हो जाना चाहिए अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन से तुम अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे यू लेलाइज कि वही चीज़ लिखी हुई है जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ होल्ड ऑन गाइज ये क्या हो गया ऑल्ट हैंड सो बैड जिस सेकेंड गाइज हाँ बच्चों तो अब देखो ये क्या है गैस मेटल्स है यार मेटल्स में कंडक्शन आसानी से होता है सेमी में थोड़ा मुश्किल होता है इंसुलेटर में बिल्कुल ही नहीं होता दे इज नो कंडक्शन तो हमने क्या कहा हमने कहा दो तरह के बैंड होते हैं एक होता वैलेंस बैंड एक होता कंडक्शन बैंड कोई डाउट यहाँ तक गुड तो हमारा एक हो गया वैलेंस और एक हो गया कंडक्शन बैंड राइट वैलेंस बैंड क्या बता रहा होता है इसको ऐसे सोचो मतलब थिंक इन टर्म्स वैलेंस बैंड बता रहा है एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड बता रहा है वो एनर्जी जिस पे अगर इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास है दे विल कंडक्ट समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वैलेंस बैंड बता रहा है एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड बता रहा है द एनर्जी

कंडक्शन बैंड है ये हमारा वैलेंस बैंड है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यू गॉट ओवरलैपिंग बैंड्स, तुम्हारे पास क्या है ओवरलैपिंग बैंड्स, बिजली सिंपल टर्म में सोचा जाए तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों दैट वाज योर मेटल्स अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स पे सेमीकंडक्टर में उनकी एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है और कंडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए ज्यादा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है लेकिन इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है द एनर्जी गैप बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम है मतलब अगर तुम थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे तो इट विल जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड

वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन अगर तुम तो उनको थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे दे विल गो टू कंडक्शन बैंड या दे विल बी कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग समझ में आया नहीं आया कोई डाउट नहीं तक अब आते हैं इंसुलेटर्स पे इंसुलेटर्स में ये वैलेंस कंडक्शन बैंड है ये हमारा वैलेंस बैंड है और इनके बीच में लार्ज एनर्जी गैप

ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वी आर डन विद द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नाउ लेट अस गो ऑन टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स नाउ लेट अस गो ऑन टू एक मुझे क्वेश्चन याद आया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड गाइस मुझे एक चीज बताओ अगर हम हमारे पास सेमीकंडक्टर है और हम उसे डोप कर देते हैं ठीक है ना गाइस ग्रुप ग्रुप का तो से हमने डोप कर दिया तो मुझे बताओ ये जो तुम्हारा एनर्जी गैप है ये कम होगा या ज्यादा होगा द एनर्जी गैप कुछ नॉर्मल टर्म बताओ क्या अगर तुमने डोप कर दिया तो एनर्जी गैप जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा एन टाइप हमने हा? कम हो जाएगा क्यों बिजली नाउटली कंडक्ट राइट अगर कंडक्ट करना आसान हो रहा है तो ऑबियसली बात है जो तुम्हारा एनर्जी गैप है वो क्या हो गया कम हो गया क्लियर और तो ये गाय सिंपल क्वेश्चन हो गया बेस्ड ऑन नीचे वाला बैलेंस होता है ऊपर वाला कंडक्शन होता है कोई डाउट यहां तक अब आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स गाइस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं सॉलिड्स की दैट इज बिकॉज ऑफ द मैं लिख देता हूं इट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मोवमेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोवमेंट होता है जिसकी वजह से वी गेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन द सॉलिड गाइज ठीक है और जो मैग्नेटिक मोवमेंट है इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोवमेंट

रेवोल्यूशन की बात करें एंड ऑल्सो ड्यू टू इट्स अराउंड अराउंड द इट्स कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ क्लियर है गाइस अब जो हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं वो किस में निकालते हैं तुम्हें याद होगा बोर मैग्नेटॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने किया था okay. हाँ म्यू करेक्ट हाँ रूट ऑफ एन एन पेस्ट टू हा क्लियर है गाइस राइट तो उसकी वजह से हम मतलब दैट इज द यूनिट जिसमें हम निकाल लेते हैं बोर मैग्नेटॉन का ठीक है यू रिमेंबर दैट तो अब आते हैं लेट अस टॉक अबाउट मेटल्स या सब्सटेंस लेट मी यूज द टर्म सब्सटेंस सब्सटेंसेस को अब हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पहला डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस डाया मैग्नेटिक कौन से होते हैं बच्चों विच आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हाँ ना क्लियर है दे आर वीकली रिपेल्ड इन या बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही बच्चों बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करे होते हैं बाय द वे इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं या इनके जो सबशेल्स होते हैं कंप्लीटली फिल्ड नो अनपेड इलेक्ट्रॉन यू मस्ट बी रिमेंबरिंग स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था गुड इट इज शोन बाय सबस्टेंसेस विच हैव या विच कंटेन फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल क्लियर है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बनने चाहिए देर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन देर शुड बी नो अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई डाउट यहां तक एग्जाम्पल क्या आएगा एन ए सी एन टी आई ओ टू टी आई ओ टू में टाइटेनियम भी चार्ज देखो इट इज प्लस फोर प्लस फोर का मतलब है वो इनर्ट गैस उठा रहा है कॉन्फ़िगरेशन so, समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों तो आइडिया इज दे आर डाया मैग्नेटिक कोई डाउट नहीं आता किसी बच्चे को दूसरे पे आते हैं पैरा मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड हाँ है ना दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड कोई डाउट ना गाइस बट दे लूज देयर मैग्नेटिज्म दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ रहा नहीं आ रहे बच्चों राइट This property is shown by substances whose atoms or ions or molecules contain unpaired electrons. दे कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कोई डाउट यहां तक एग्जाम्पल ओ टू सी यू टू प्लस सी यू टू प्लस में डू यू रियलाइज ऑर नॉट तुम्हारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे सी यू टू प्लस में हाँ है ना सी यू प्लस में तुम्हारे क्या होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इफ यू अंडरस्टैंड सी यू प्लस का मतलब क्या हो गया फोर एक्स वन थ्री डी टेन होता है इट इज गोइंग टू बी थ्री डी टेन हाँ है ना सी टू प्लस में यू गॉट अनपेड इलेक्ट्रॉन सो इट इज पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक ओ टू हाउ इट इज पैरामैग्नेटिक तुम्हें याद होगा एम से हमने देखा था वहां भी तुम्हारे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे होते थे गुड अब आते हैं थर्ड फेरो एंड इफ यू थिंक के बस इतना ही है गाइज बहुत है अभी ठीक है पैरोमैग्नेटिक क्या होते हैं दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमोट इवन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमोट ओके गाइस इसमें एग्जांपल क्या आ गया आयरन का निकल का ठीक है गाइस आयरन हो गया निकल हो गया एंड होता क्या है दिनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑफ इलेक्ट्रॉन के मैं ऐसे लिख दू ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन सेम डायरेक्शन गिव्स राइज टू फेरोग्नेटिज्म गिव राइज टू फेरोमैग्नेटिज्म इसको मैं सिंपल बताता हूं क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं के भाई जब तुम अगेन हाँ मैं क्या कह रहा हूँ ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक ना गाइस जब तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो उसमें सारे के सारे उनके मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट दे गेट अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसकी वजह से तुम्हारा फेरोमैग्नेटिजम इज ऑब्जर्व क्लियर दे ऑल गेट अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ रहा नहीं आ रहा दिस इज फैरोमैग्नेटिज्म नेक्स्ट पे आते नेक्स्ट वन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंटी फैरो मैग्नेटिज्म इसमें क्या है यार हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि बंद फेरो और एक्चुअली इसके अंदर क्या है दे है जीरो मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेक्टेड फेरो है क्योंकि तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन जो एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है दैट इज कमिंग आउट जीरो जीरो क्यों आएगा जितने तुम्हारा एक तरफ अलाइन है उतने ही तुम्हारी दूसरी तरफ अलाइन है देन वॉट यू गेट इज एंटी फेरो मैग्नेटिकल क्लियर है वही मैं लिख देता हूं दे आर ऑन रुकना बच्चों ऐसे लिखा ठीक है दे आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस पैरा मैग्नेटिज्म या फेरो मैग्नेटिज्म लग तो रहा होता है कि पैरा मैग्नेटिज्म होगा या फेरो मैग्नेटिज्म होगा लेकिन निकल के क्या आता है

But actually, they possess zero magnetic moment. Clear, guys, this is due to alignment. ऑफ डायपोल्स इन कंपनसेटरी वे बिजली उन्होंने एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को क्या कर दिया गया इस काट दिया समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों जस्ट सेक सो एज टू गिव नेट जीरो डायपोल मोमेंट एग्जाम्पल एम ओ इसमें क्या है ऐसे मान के चलो ये अवॉट समथिंग लाइक दिस ये दो ऐसे हैं तो दो गाइस। हा समथिंग लाइक दिस समझ आ रहा है नहीं आ रहे बच्चों कि नेट हमारा डायपर मोमेंट क्या आ गया बच्चों जीरो नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ फोर्थ आना अभी हमारा फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंसेस फेरी मैग्नेटिक दे आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस लार्ज मैग्नेटिज्म हम मान के चलते इनका मैग्नेटिज्म लार्ज है बट इट इज एक्चुअली फाउंड आउट टू बी स्मॉल जीरो नहीं स्मॉल समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों ऑन बेसिस ऑफ Unpaired electrons. There's maybe unpaired electrons eh, present in them, but actually have small net magnetic moment. क्यों क्योंकि काफी हद तक तुम्हारा डायपोल मोमेंट गेट्स कैंसल्ड आउट ठीक है दिस इज बिकॉज द मोमेंट्स आर अलाइन इन पैरल and anti-parallel directions directions in unequal numbers hold on guys in or oh, just a sec बच्चों हाँ तो मैं क्या कह रहा था बच्चों दिस इज बिकॉज द मोमेंट्स आर अलाइंड इन पैरल एंड एंटी पैरल डायरेक्शन इन अनईक्वल नंबर रिजल्टिंग इन नेट नेट डायपोल डायपोल मोमेंट मोमेंट आ रहा है कम आ रहा है दैट इज द प्रॉब्लम इसलिए हमने उनको ना क्या नाम दे दिया फेरी मैग्नेटिक इसका एग्जाम्पल आता है तुम्हारा एफ ई थ्री ओ फोर एफ ई थ्री ओ फोर क्लियर है गाइस अब आगे चलते हैं नोट पैरो मैग्नेटिक है एंटी फेरोमैग्नेटिक है एंड फेरी मैग्नेटिक है दे ट्रांसफॉर्म रुक जाओ दी सॉलिड्स ट्रांसफॉर्म ग्रेट इट इज मेरा साइन यार इतना कैसे हो गया कमाल हाँ, तो कमाल ही है हा तुम्हें क्या कह रहा था दिस ट्रांसफॉर्म टू पैरा मैग्नेटिक ये सारे के सारे पैरा मैग्नेटिक हो जाते हैं एट सम समेम्परेचर एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जिसपे सारे के सारे किस पे चले आते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं ठीक है ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन बेसिकली जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये तो होना ही है उनका जो मैग्नेटिक uh, मोमेंट है जो उनका डायपोल मोमेंट है वो तुम्हारा डिजलीट विल बिकम रैंडमाइज्ड हाँ है ना रैंडम होता जाएगा जैसे एफ ई थ्री ओ फोर है ये एफ ई थ्री ओ फोर हमारा क्या था पैरी मैग्नेटिक राइट फैरी मैग्नेटिक एफ्री ओ फोर बिकम्स पैरा मैग्नेटिक एट एट फिफ्टी का ठीक है एंड फेरोमैग्नेटिक सब्स्टेंसेज है कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर एक उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसके अबव अबव विच नो फायरोमैग्नेटिजम इज ऑब्जर्व

हुँ? अभी करते आओ अरे भाई अभी तो मैंने ऊपर ये लो इतना काफी है अब आते हैं डा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और ऊपर करना है ओके फाइन राइट हो गया कर लो नोट बच्चों ओके गाइस करें अब इंसुलेटर हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्या नहीं ठीक है इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ठीक है ना तो तुम्हारा पोलराइजेशन टेक्स प्लेस कि तुम्हारा जो पॉजिटिव पार्ट है दैट इज गोइंग टूवर्ड्स द कैथोड और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है दे आर बीइंग पुल टूवर्ड्स द एनोड ठीक है ना बच्चों तो मैं एक बार बता देता हूँ इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस

Takes place. Fine. Because nucleus is pulled towards. Because, hold on. Mr. Sarcise. Oh, come on. I guess so. That is the only change that has taken place. Takes place because the nucleus is attracted to cathode and electron cloud is pulled, yeah, is attracted towards. एनोड हाँ है ना क्लियर है गाइस बताओ भाई गुड लिखो लिखते हैं बेटा बताओ क्या आंसर टू वर्ड्स एनोड ये कुछ ज्यादा हो गया बेटा ठीक है गाइस अब ये जो अब ये क्रिस्टल क्या हो गया दिस क्रिस्टल हैज बिकम पोलर राइट बिकॉज ऑफ जो तो वहां स्लाइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी वजह से इट हैज बिकम पोलर तो सच पोलर क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स शो Electrical properties. They show spe kuch specific electrical properties. They show. Hold on, guys. Oh, come on. It's too much. Just a sec, guys. I don't know. They show. Electrical properties. Just a sec. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या पहला पीजो इलेक्ट्रिसिटी पीजो इलेक्ट्रिसिटी ठीक है स्टार्ट करें हाँ तो बच्चों आइडिया क्या है वेन दीज पोलर क्रिस्टल्स when these crystals are subjected to mechanical stress electricity is produced is produced due to displacement of ions find the electricity thus produced is called piezoelectricity is called piezo and crystals are called piezoelectric crystals and crystals are called piezo electric crystals Okay, guys. And hold on, hold on, guys. Let me go further down. Yeah, the curly note, boys. Okay. But if and. Electric field is applied to these crystals, there will be atomic displacement.

Some polar crystals, when heated, produce small current, or we can call it pyroelectricity. यहां तक कोई डाउट गायस थर्ड पे आते हैं फेरो इलेक्ट्रिसिटी गायस यहां तक नोट कर लिया तुम लोगों ने करो नोट नोट इट डाउन आई एम वेटिंग जब हो जाए नोट तो बता देना Okay. अब आते हैं फेरो इलेक्ट्रिसिटी पे इन सम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स द डायपोल्स आर परमानेंटली लाइंड अप Even in absence of electric field, however, on applying electric field. The direction of polarization changes. The direction of polarization changes. इसका एग्जाम्पल क्या है? B A T I O three. B A और एक और एग्जाम्पल लो. Rochelle salt, which is पोटेशियम ट्रेट बी ए टी आईओ थ्री सोडियम पोटैशियम टारेट विच इज नथिंग बट रोशल सॉल्ट टार्ट रेट करेक्ट हाँ अरे ये नहीं नेक्स्ट वाला बेटा कुछ भी चल रहा है बच्चे का नोट तो ज्यादा सर तो किसी बच्चे को है सही में ऑल पैरो इलेक्ट्रिक

क्लियर है गाइस लिया नोट नहीं किया करो अब आते हैं ये हमने कौन सा लिखा था गाइस अभी तक हाँ अरे नहीं पॉइंट क्या था थर्ड था। फोर्थ एंटी इलेक्ट्रिसिटी हाँ बेटा बोलो अच्छा एक मिनट रुक जाओ एंटी इलेक्ट्रिसिटी ऊपर करूं हो गया एंटी फायरोक्ट्रिसिटी आते देयर इज नो नेट एपोल मोमेंट इट इज सेट टू बी एंटी क्रिस्टल It is said to be anti ferroelectric crystal. This is because the dipoles are alternately arranged. ओके गाइस एग्जांपल पी होल्ड ऑन ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लेड लेटोनेट का लेड जरकोनेट इज पी बी जेड आरो थ्री ओके गाइस क्लियर है यहाँ तक आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लेड लेटोनेट मैं भी लिख देता हूँ उसे होल्ड ऑन Just a sec. Give me a sec. Seriously. Okay, fine. That was better. Lead zirconate. Okay, guys. Clear another. Next path then. सुपर कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टिविटी भी आते हैं गाइस वेन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो गई

At which material shows superconductivity is called transition temperature. एग्जाम्पल इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर इज नाइन गायला पार्ट हमारा हो गया खत्म एक चीज बसती है जो समझने की है ठीक है ना गाइस? फाइनली वी आर लेफ्ट विद सम जो समझने का है। ये सारा याद करने का था एज यू कैन रिलेट ठीक है गाइस? तो करोगे ज्यादा इसमें ऐसा भी नहीं है कि याद नहीं हो सकता तीन बार पढ़ोगे तुम ऑटोमेटिकली विल गेट सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कि क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट में ठीक है नाउ वी आर डूइंग समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हें याद है गाइस हमने जब कर रहे थे क्वेश्चन तो हमने एक ऐसी चीज देखी थी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक से ज्यादा टाइप के स्ट्रक्चर बना रहा है वो बीसीसी भी बना सकता है वो एफसीसी भी बना सकता है जिसके अंदर हमने डेंसिटी निकाली थी डेंसिटी की रेशियो जो आता है डेंसिटी बाय पैकिंग फ्रैक्शन की जो रेशियो है काइंड ऑफ़ फिक्स्ड, है ना क्लियर है गाई? तो अब उसी की बात कर रहे हैं कि तुम्हारा अ मेटल या अ पर्टिकुलर एलिमेंट शोइंग मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो इस पे आते हैं दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ठीक है गैस टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा गैस टेम्परेचर एक नॉर्मल चीज क्या होती है स्ट्रक्चर खुलना चाहिए और प्रेशर से क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर कंप्रेस होना चाहिए क्लियर है गाईस? तो अब देखो नंबर ऑफ मेटल्स शो मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसे आयरन इट इज बी एट रूम टेम्परेचर एंड चेंजेस टू एफ सी सी एट नाइन हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस यहां पर भी थोड़ा लग रहा होगा अजीब जा रहा है कि बीसीसी से हम किस पे जा रहे हैं एफसीसी पे गिव मी सम टाइम क्लियर होएगा क्यों क्योंकि अभी मैं एक और चीज का लिख रहा हूं एट फोर्टीन हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस इट चेंजेस अगेन टू बी फॉर्म इट चेंजेस अगेन टू बी फॉर्म क्लियर है गाइस तो ये क्यों है सेकेंड स्टेप समझ आ रहा है क्या तुम्हारा करो, not for iron, एक जर्नल दे रहा हूं। अगर तुम्हारे पास कोवलैंड नेचर है बाय चांस कोवलेंड नेचर का मतलब डायरेक्शनल जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डायरेक्शनल नेचर क्या हो जाएगा कम और कम होगा तो एक तरीके से क्रिस्टल विल बिकम कॉम्पैक्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डायरेक्शनल हैं वो तुम्हारे वीक हो जाएंगे तो दैट इज द रीजन समटाइम ऑन इनक्रीज इन टेम्परेचर तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या आ गया पैट बढ़ गया हाँ यह बात अलग है फर्दर टेम्परेचर राइज करोगे तो अगेन तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या होगा खुलेगा समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों नॉर्मली तो खुलना चाहिए लेकिन बाई चांस तुम्हारा पैकिंग क्यों हो रही है पैक क्यों हो रहा है इनिशियली दैट कुड कि उसका जो डायरेक्शन वो क्या हो गया कम हो गया जिसकी वजह से पैकिंग एफिशिएंसी काइंड ऑफ या मोर क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा था इनिशियली और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है वो खुलना ही स्ट्रक्चर है का है ना स्ट्रक्चर खुलेगा ही खुलेगा तो एट हाई टेम्परेचर जनरली लिख देता हूं मैं पहले दैट इज इंपॉर्टेंट जनरली एट हाई टेम्परेचर बी सी सी इज एक्सपेक्टेड ठीक है ना गाय कोई डाउट यहां तक तो रूम डेमे जब ज्यादा एल की मेडल तुम्हारा बीसीसी फॉर्म अडॉप्ट कर लेते हैं ओके गाय लार्ज नंबर ऑफ एल्कि मेटल्स अडॉप्ट बीसी फॉर्म एट रूम टेम्परेचर अब आते हैं सम फैक्ट क्या कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर एंड प्रेशर क्लोराइड्स हैं ब्रोमाइड्स हैं एंड आयोडाइड्स हैं ये प्रेशर है guys, ये प्रेशर, ठीक है ना क्लोरीन क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ लिथियम सोडियम रुबिडियम एंड सम हैलाइड्स ऑफ सिल्वर स्ट्रक्चर जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है कटा नारायण का बताओ क्या आता हाँ है दोनों सिक्स का ना दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है सिक्स अब अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा बच्चों ऑन इंक्रीज इन प्रेशर जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो इट विल कम क्लोज कम क्लोज का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए हाँ है ना बच्चों ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है कि जब प्रेशर बढ़ाओगे तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ना चाहिए तो वही होता है गाइस मैं बताता हूं दे ट्रांसफॉर्म टू सी स्ट्रक्चर उसका सी स्ट्रक्चर होता है जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है 8:2 ए, समझ में आया या नहीं आया गाइस प्रेशर बढ़ाने पे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर गया बढ़ गया और अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा वो स्ट्रक्चर खुलेगा बिजली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों डिक्रीज होएगा हाँ है ना इनवे जब तुम CsCl को हीट कर रहे होते हो CsCl में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 8 उसको जब हीट करते हो एन ए सी एल टाइप स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेता है विथ सिक्स कोऑर्डिनेशन समझ में आ रहा नहीं आ रहे बच्चों तो so, ये चीज मैं और लिख देता हूं एंड देन वी आर डन क्लियर है गाइस जहां तक किसी बच्चों को डाउट है तो बताओ ओके फैंड ऑफ ये चीज मैं और लिख देता हूं ऑन हीडिंग एस सी एल ए ट्रांसफॉर्म टू एन ए सी एल स्ट्रक्चर विद्स इज टू सिक्स कोऑर्डिनेशन कुछ समझ में आया या नहीं आया आएगा ये बताओ मुझे क्लियर हो गया सब कुछ क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों रिस्पोंड विद अ यस और नो गाइस यस सर ओके वी आर डन विद द चैप्टर बाय द वे